इस वक्त एक नया साइंटिस्ट पैदा हुआ है यूएसए में, उसका नाम है डॉक्टर एल्स सिल्वर। उसने ये बोला, इंसान ह्यूमन डिड नॉट कम फ्रॉम अर्थ, इंसान यहां का है ही नहीं, दूसरे प्लेनेट से आया। अवल सोलार सिस्टम इज मेड अप वन स्टार दैट इज सन एंड एट प्लेनेट्स, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, 8 प्लेनेट्स है और 146 चांद है। इतने से हमारा निजामे शमसी बना हुआ है। साइंटिस्ट ये बोलता डॉक्टर एल्स सिल्वर यूएसए वाला, इंसान यहां का नहीं, हम लोग यहीं पैदा हुए ना, वो कहता इंसान यहां का नहीं, ये किसी दूसरे प्लेनेट से आया। प्लेनेट कितने है कुल, इन लोगों ने 8 प्लेनेट ढूंढ के रखे हैं, जमीन समेत 8 प्लेनेट है। इंसान अर्थ का नहीं है, हो सकता मार्स से आया हो, जुपिटर से आया हो, नेपच्यून से आया हो, यूरेनस से आया हो, यहां का नहीं है। दलीलें कितनी थी पता है, 52 दलीलें दी उन लोगों ने, डॉक्टर एल सिल्वर साइंटिस्ट ने, के इंसान इस प्लेनेट का नहीं है, इसके लिए 52 दलीलें दी। एक दलील ये है कि अगर हमको खाना खाना पड़ता है तो पहले जमीन को फाड़ते हैं, फिर उसमें गेहूं का एक दाना डालते हैं, फिर उसको पानी देते हैं, आधी तूफान से बचाते हैं। एक गेहूं का दाना जमीन से फाइट करता है, जीत जाता है तो एक पौधा बनता है, उसमें 100 बाली 100 दाने निकलते हैं, फिर उसको सुखाते हैं, फिर कूटते हैं, फिर पीसते हैं, फिर माँ और बहनें उस आटा में पानी मिलाकर गोला बनाती, फिर बेलन चकना पे बेलती है, फिर तवा में डालती, फिर पकाती, अब रोटी बनी। सेम प्रोसेसिंग सब्जी की है, तब जाके एक लुकमा खाना खाते हैं। और जानवर सीधा हरियाली में मुंह डालता, पेट भर लेता। जानवर यहीं का है, इंसान यहाँ का नहीं, क्योंकि इंसान को एक पेट भरने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ रही। इंसान वहां से आया है जहां पर मेहनत नहीं करनी पड़ती, खाना तैयार मिलता है। ये दलील दी उसने भाई, जिस तरह जानवर यहीं के हैं उसे खाना तैयार मिलता है, ऐसी इंसान भी वहां से आया है जहां खाना तैयार मिलता, कहां से आया ये नहीं पता। दूसरी दलील दी उसने ये कि मई जून में दिन के 12 बजे 5 घंटे सूरज में रह के बताया, फुंसी निकल जाएगी, गर्मी की फुंसी पूरे बदन में, ठंडी में कपड़े उतार के बाहर रह के बताया, तबीयत खराब हो जाएगी आपकी। इसका मतलब इंसान वहां से आया है जहां का क्लाइमेट्स इंसान की बॉडी के टेम्परेचर के हिसाब से है। जानवर यहां रहते हैं उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर हमको सर्दी में हीटर चाहिए और गर्मी में एसी और कूलर चाहिए। इंसान वहां से आया है जहां पर ऑटोमेटिक एसी लगा हुआ है, कहां से आया ये नहीं पता। अच्छा, 95% आपके बच्चे वही पढ़ते हैं जिसका ये दावा है कि इंसान यहां का नहीं आया। और मैं पूछूं कहां से आया का, आई डोंट नो। ऑक्सफोर्ड वाला, आई डोंट नो। कैम्ब्रिज वाला, आई डोंट नो। लिटिल फ्लावर वाला, आई डोंट नो। दिल्ली पब्लिक स्कूल वाला, आई डोंट नो। एचपी वाला, आई डोंट नो। अपोलो वाला, आई डोंट नो। दुनिया के तमाम फिरक, मेलल, नेहल, मशारी, मकादिम, थॉट ऑफ स्कूल्स के फॉलोवर, बता इंसान कहां से आया और क्या यह थ्योरी सही है, ह्यूमन डिड नॉट कम फ्रॉम अर्थ, इंसान यहां का नहीं है, क्या यह बात सही है। सबने ये कहा आई डोंट नो, मुझे नहीं पता हकीकत क्या है। मगर जब हमने यसरनल कुरान वाले से पूछा, दारुल उलूम नूरुल इस्लाम वाले से पूछा, अली बत्तासा वाले से पूछा, कुरान शरीफ वालों से पूछा, बुखारी और मुस्लिम वालों से पूछा, तो उन्होंने जवाब दिया या आदम उस्कुन अंता व ज़ौजुकल जन्ना व कुला मिनहा रगदन हैथु शिअतुमा व ला तक़रबा हाज़िहि शजरा फ़तकूना मिन ज़ालिमीन। इंसान यकीनन यहां का नहीं है, मगर जिस प्लेनेट से, जिस गोले से इंसान का आया है तुम्हें उसका नाम नहीं पता। 1400 साल पहले कुरान बोलता है इंसान जिस प्लेनेट से आया उसे जन्नतुल फिरदौस कहा जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत खलीफे हुजूर ताजू शरिया हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलाम जीलानी अजहरी साहब किबला सरजमीने बालीगुड़ा दारुल उलूम नूरुल इस्लाम जश्न-ए-दस्तारबंदी
ये कौन जवाब दे रहे हैं? अलिफ बा ता सा वाले। मेरे भाई, कयामत से पहले इल्म को उठा लिया जाएगा। ऐसा नहीं कि आलिम साहब के सीने से इल्म को उठा लिया जाएगा, ना 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 ना, आलिम ही साहब इंतकाल फरमा जाएंगे, फिर आलिम नहीं होगा, फिर जाहिल को लोग पकड़ के मसला पूछेंगे और फिर वो जाहिल मुफ्ती बन जाएगा, जैसे गांव का वार्ड अध्यक्ष, गांव का पैसा वाला, मस्जिद का मुतवल्ली, मदरसे का मुतवल्ली और नाजिम। आम आदमी कमेटी में जो नाजिम है या मस्जिद कमेटी का जो सदर और मुतवल्ली है, भाई मस्जिद के मुतवल्ली है आप ना, सजदा के मुतवल्ली नहीं है, मदरसा के मुतवल्ली आप है ना, दर्स के मुतवल्ली नहीं है। अल उलमाओं वरसतुल अंबिया कहा गया, उलमा नबी के वारिस है। और इंसान के पास पैसे जितने भी ज्यादा आ जाए, अगर पैसा से अल्लामा बनता तो सबसे बड़ा अल्लामा नमरूद को होना चाहिए, फिरौन को होना चाहिए। इसलिए गांव में जो पैसा वाला है वो अल्लामा भी होगा या आलिम का हाकिम भी होगा, कोई जरूरी ना है। और एक बात अच्छे से आप लोग सुने, हम लोग आम तौर से अभी मदरसे के बारे में नूरुल इस्लाम के ये अफराद दिख रहे हैं, इस वक्त जितनी तबाही उत्तर दिनाजपुर में फैल रही है उसमें 99% मादे का दफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती आरिफ साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मुफ्ती आरिफ साहब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। आखिरी आखिरी पॉइंट, हम लोग उलमा का इस्तकबाल कर लें। मेरे भाई, 99% किसका दखल है? मादे का। एक भाई 3 साल का है, दूसरा भाई 5 साल का, 3 साल वाले भाई चॉकलेट खरीदा, आधा फोड़ के अपने भाई को देता है। उस 3 साल वाले भाई को किसी पड़ोसी ने झापड़ मार दिया तो 5 साल वाला भाई आके ढाल बन जाता, मेरे भाई को तूने मारा। मगर बड़ा होने के बाद वही भाई अपने भाई के खिलाफ केस कर दे रहा, खेतों के लिए, जमीन के लिए, घर के लिए। जिस जमीन के लिए हम खून बहा रहे हैं, आप बताइए वो जमीन अफजल है या हम अफजल है? अगर हमारा खून जमीन के लिए बह रहा है तो इसका मतलब जमीन अफजल है। क्या जमीन को देखा कभी लड़ते हुए कि मैं तेरे पास नहीं आऊंगी, मैं फला के पास जाऊंगी? क्योंकि वो मफजूल है, अफजल हम हैं। मगर जो मादा के लिए लड़ रहा है तो मादा उससे अफजल हो गया, वो मादे से अफजल नहीं, मादा उससे अफजल हो गया। हजरत उस करनी रजी अल्लाह ताला अन नौकरी करने के पीरियड में नमाज ज्यादा पढ़ते थे, मालिक ने हटा दिया उन्हें। जब मालिक ने हटा दिया तो फिर रात में कचरे के ढेर पर जो खाने पीने का रहता बचा हुआ वो खाते थे। एक दिन कुत्ता भूखने लगा, बोले चुप, क्यों भूखता है मुझे देखकर? अगर मैं तू जो तेरे नसीब का तू खाता, जो मेरे नसीब का मैं खाता हूँ, अगर मैं जन्नत में गया तो तुझसे अफजल हूँ, और अगर मैं जहन्नम में गया तो तू मुझसे अफजल है। कौन बोल रहे हैं? वैस करनी रदी अल्लाह ताला। ये तसव्वुफ का एक बाब है। हम लोग जो मादे और पैसे के लिए लड़ रहे हैं, ये भी याद रखे, इंसान खाने के लिए नहीं मरता। इंसान हराम काम तब करता है जब वो अपाची से 4-व्हीलर पर आता है, 4-व्हीलर की तमन्ना करता है, एक गाड़ी से 2 गाड़ी की तमन्ना करता है, एक मकान से 2 मकान की तमन्ना करता है, एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग की तमन्ना करता है, एक एकड़ खेत से दूसरे एकड़ खेत की तमन्ना करता है। पेट भरने के लिए तो कुरान में आया, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अलल्लाह रिज़्क़ुहा। अल्लाह ताला कीड़े मकोड़े को खिलाता है तो हम तो अशरफुल मखलूकात हैं। अब सुनिए, जिस चीज के लिए लड़ रहे हैं आप, उसकी हकीकत मैं आपको बता दूं और कुरान और हदीस से बताऊंगा। ये बताइए, इस गांव में एक आदमी है जिसके पास 100 रुपया और दूसरा आदमी है जिसके पास 1 करोड़ रुपया है, दोनों में अफजल कौन है? फिर से सुने, एक आदमी है जिसके पास 100 रुपया है, दूसरा आदमी है जिसके पास 1 करोड़ रुपया है, दोनों में अफजल कौन है? 95% आदमी कहेगा कि 1 करोड़ वाला अफजल वाला है, क्योंकि उसी के पीछे भाग रहा है। लेकिन हकीकत अब सुने, एक मैना है, उसकी चोंच में 1 गेहूं का दाना है, दूसरा मैना है उसकी गर्दन में 1 किलो गेहूं की थैली लटक रही है, दोनों में से अफजल कौन है? एक दाना वाला,
अपनी बीवी बच्चों से कौन मिलेगा? एक दाना वाला। अपने घोंसले में कौन जाएगा? एक दाना वाला। अपने खानदान परिवार से कौन मिलेगा? एक दाना वाला। खलाओं में परवाज कौन करेगा? एक दाना वाला। ऊंची उड़ान कौन भरेगा? एक दाना वाला। मेरे भाई, इंसान भी लाहूत का परिंदा है। दलील कुरान की ये आयत है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रजअ यरजअ रुजू, ज़हब यज़हबो को नहीं कहते, लौटने पलटने को कहते हैं। इंसान ऊपर से आया है, ऊपर ही पलट कर जाना है। तो इंसान लाहूत का परिंदा है, लाहूत का। और इस परिंदे के पास माल जितना कम होगा, परवाज उतनी ही ज्यादा होगी, उड़ान उतनी ही अच्छी होगी, स्पीड उतनी ही अच्छी होगी। पता ये चला, जिस आदमी के पास 100 रुपया है, वो शख्स अफजल व आला है 1000 वाले से, 1000 वाला अफजल है 50000 वाले से, 50000 वाला अफजल है 50 लाख वाले से, 50 लाख वाला अफजल है 1 करोड़ वाले से। यही वजह है कि हमारे नबी ने 1400 साल पहले फरमाया, एक गरीब अमीर से 500 साल पहले जन्नत में चला जाएगा, क्योंकि उस अमीर को हिसाब देना पड़ेगा, लाया कहां से, खर्चा कहां किया। अगर हराम का है तो सीधा जहन्नम में जाएगा, और अगर हलाल का है तब भी हिसाब में टाइम लगेगा। मगर जो 100 रुपये का मालिक है, जल्दी हिसाब देगा और स्पीड के साथ निकल लेगा। पता ये चला, तौहीद और रिसालत के शहदाइयों, माल जितना कम हो वो इंसान उतने ही अफजल और आला होता है। दौलत की वजह से कोई अफजल और आला नहीं होता। यही वजह है कि हजरत अली रजी अल्लाह तआला ने इरशाद फरमाते हैं, रदीना किस्मत अल जब्बार फीना लना इल्म वल जुहाल मालु फइनल माल यफनी अन करीब व इनल इल्म बाकी ला यजालु। ए अल्लाह, तेरे फैसले से हम राजी हैं, हमारी किस्मत में तूने इल्म दिया, जाहिलों को तूने माल दिया। माल काबिल तकसीम है, इल्म के लिए काबिल न तकसीम है न काबिल जवाल है। दौलत खत्म हो जाएगी, इल्म कभी खत्म नहीं होगा। दौलत इंसान को मुर्दा बना देती है, और इल्म की बुनियाद पर इंसान जिंदा रहता है। ये जो दारुल उलूम नूरुल इस्लाम के तलबा है, जिन्होंने पढ़ाया, वो मर भी गए तो वो जिंदा रहेंगे, इन हाफिजों की शक्ल में, कारियों की शक्ल में, आलिमों की शक्ल में। नूरुल इस्लाम वाले उन उलमा को जिंदा रखेंगे जिन्होंने नूरुल इस्लाम को बनाया, ये तलबा उन्हें जिंदा रखेंगे। इसलिए तौहीद और रिसालत के शहदाइयों, मादियात के बुनियाद पर लड़ाई नहीं होना चाहिए। अगर लड़ना है तो नामूस रिसालत पे लड़ के बताओ, जो नबी की सुन्नत को हिफाजत और बचाने के लिए लड़ता है। अगर वो मर गया तो मैदान का शहीद होता है, और अगर जीत गया तो वक्त का अर्तुरुल गाजी होता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत खलीफे हुजूर ताजु शरिया हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलाम जिलानी साहब अज़हरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत।